क्या राजपूत डरपोक थे? हमारे पिछले वीडियो पर हमारे बहुत से दोस्तों ने कमेंट बॉक्स में अपनी कई किस्म की प्रतिक्रियाएं व्यक्त की हैं। वीडियो देखने के बाद कई व्यूअर्स को लगा कि हम राजपूतों के खिलाफ जहर उगल रहे हैं, लेकिन ये बात सरासर गलत है। हमने अपनी किसी भी वीडियो में यह कभी नहीं कहा कि राजपूत एक डरपोक कौम है। हालांकि कुछ साक्ष्य ऐसे जरूर पेश किए गए थे जिससे उन भुड़भल्ले लोगों को मुंह तोड़ जवाब मिल सके जो हमेशा राजपूताने के नाम पर अपना राजनीतिक उल्लू सीधा करते आए हैं। मगर हमने कभी नहीं कहा कि राजपूत कहीं से कहीं तक भी वीर नहीं थे। इसी स्टेटमेंट पर प्रश्न चिन्ह लगाने का मतलब यह कतई नहीं कि हमारी ये सोच है कि राजपूत वीर नहीं थे। अभी तक इतिहास और राजपूताने से जुड़ी हमने जितनी भी वीडियोस बनाई हैं, उनमें कभी भी हमने राणा प्रताप से लेकर मिर्जा राजा मानसिंह तक की बुराई नहीं करी। इस देश के सो कॉल्ड नेशनलिस्ट की माने तो राणा प्रताप एक सच्चे हिंदू राजा थे और मानसिंह एक गद्दार राजपूत जो महज चंद स्वर्ण मुद्राओं के खातिर मुगलों और मुसलमानों के हाथों बिक गए थे। लेकिन हमने हमेशा राणा प्रताप के साथ साथ मिर्जा राजा मानसिंह के उन तमाम कामों की सराहना भी करी है जो उन्होंने अपने जीते जी हिंदुत्व और हिंदुओं के लिए करे थे। मिसाल के तौर पर वृंदावन के जिस गोविंद मंदिर में आज लाखों हिंदू हर साल दर्शन करने जाते हैं, उसे मुगलों की सरपरस्ती में मिर्जा राजा मानसिंह ने ही बनवाया था। यह भारत का इकलौता ऐसा मंदिर था जहां दुनिया का सबसे बड़ा दीपक जला करता था। ओडिशा के जिस जगन्नाथपुरी को आज भी सनातन धर्म का एक अभिन्न अंग माना जाता है, उसकी हिफाजत भी अपने समय पर मिर्जा राजा मानसिंह ने ही करी थी। और आपको लगता है कि हम हिंदुत्व और राजपूतों के खिलाफ हैं? हमारे एक साथी ने कमेंट बॉक्स में लिखा कि मुगलों के बढ़ते साम्राज्य के कारण हिंदुओं की परेशानियां भी बढ़ती चली गई थी, लेकिन अगर यह बात हकीकत है तो फिर राजपूत मुगलों के साथ क्या कर रहे थे? मशहूर इतिहासकार अब्दुल कादिर बदायूनी लिखते हैं कि जिस समय हल्दी घाटी की सरजमी पर मुगलों और राजपूतों की सेना आमने सामने थी तो यह तय कर पाना बहुत मुश्किल था कि आखिर कौन मुगल है और कौन राजपूत, क्योंकि हल्दी घाटी के उस महायुद्ध में हर ओर केवल राजपूत ही राजपूत थे। फर्क केवल इतना था कि एक राजपूत मुगलों से आजादी चाहता था और दूसरा मुगलों की गुलामी। जो राइट विंगर्स आज रानी पद्मिनी के जौहर को ताक पर रखकर खुद को राजपूतों का हिमायती बताते हैं, उन राजपूतों को तो यह तक पता नहीं कि जिस चित्तौड़ दुर्ग में रावल रतन सेन की मौत के बाद हजारों युवतियों ने जौहर किया था, वह रानी पद्मिनी का जौहर कुंड अन्य महिलाओं से अलग था। यानी कि रानी पद्मावती ने किसी दूसरे स्थान पर जौहर किया था, न कि उसी एक कुंड में जहां अन्य स्त्रियां मौजूद थी। कई व्यूअर्स चाहते हैं कि हम राणा कुंभा, राणा प्रताप, राणा सांगा और बप्पा रावल जैसे शूरवीर योद्धाओं पर वीडियो बनाएं, जो कि हम बहुत जल्द बनाएंगे, लेकिन हम यहां उस इतिहास को उजागर करना चाहते हैं जो कहीं ना कहीं हमारी युवा पीढ़ी से छिपाया गया है। मगर आखिर ये लफ्ज आया कहां से? राजपूत, राजपूत यानी राजा का बेटा। भारत के सालों पुराने इतिहास की माने तो राजपूत समाज के ज्यादातर आबादी राजस्थान, सौराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, जम्मू, पंजाब, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश और बिहार जैसे प्रांतों में पाए जाते हैं। गौरतलब है कि आमतौर पर राजपूत समाज कई वंशों में विख्यात है, जैसे सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, अग्निवंशी, उदयवंशी, राजवंशी और ऋषिवंशी। ऐतिहासिक दस्तावेजों के अनुसार सूर्यवंशी राजपूत भगवान राम के वंशज हैं, चंद्रवंशी राजपूत श्री कृष्ण के और अग्निवंशी राजपूत डोला राय के वंशज हैं, और इन्हीं तमाम वंशों को मिलाकर बनता है पूरा राजपूताना। सालों से ही राजपूत और मुगल सल्तनत के दोस्त रिश्तों का जिक्र इतिहास के पन्नों में देखने को मिलता रहा है। जहां एक तरफ राणा प्रताप ने मुगलों के सामने अपना सीस झुकाने से साफ इनकार कर दिया था, तो वहीं दूसरी ओर राजपूताने के ऐसे बहुत से बहादुर राजपूत भी थे जिन्होंने मुगलों के समक्ष मुकम्मल मैत्री संबंध कायम रखने के लिए अपनी बेटियों का विवाह मुगल राजकुमारों से करने के ख्वाब देखने शुरू कर दिए थे। अब जरा सोचिए, जिस समय शाहजहां के दौर में मुगल सल्तनत की मजबूत हुकूमत के बीच जुझार सिंह बुंदेला ने एक हिंदू क्रांति छेड़ी थी, उस समय राजा पहाड़ सिंह जैसे राजपूतों ने ही उस क्रांति को बर्बाद किया था। और फिर हमसे सवाल किया जाता है कि हम ऐसे राजपूतों के खिलाफ क्यों बोलते हैं? हमारा उद्देश्य किसी भी समाज का तिरस्कार करना कतई नहीं है, बल्कि लोगों की आंखों पर पड़ी पट्टी को हटाकर एक इल्म की रोशनी लाना है। दोस्तों, अपनी अगली वीडियो में कुछ और नए मुद्दों पर बात करेंगे। फिलहाल आज की अपनी इस वीडियो में केवल इतना ही, लेकिन इस पर आपकी क्या राय है दोस्तों, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी जरूर दबाएं ताकि आपको हमारी तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। उमर अंसारी के साथ भीड़ जैन कथा।